तो सबसे पहले तो आप सभी जो प्रिय मित्र हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार और सभी को राम राम। आप सभी का एक बार फिर से इस स्टडी टूम ड्राइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और मोस्ट वेलकम। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। एक बार फिर से इस नए सेशन में सभी का स्वागत है और आज हम हमेशा की भांति फटाफट या सटासट जो भी आपका हो गजब का सेशन यहाँ पर रहने वाला है। और हमेशा की बात ही हम कम समय में अधिक जानकारी यहाँ पर लेने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारे साथ से हमारा फार्मूला रहा है और ये एक प्रकार से रिवीजन का कोर्स है। तो जिसमें हम ज़्यादा समय न लेते हुए यहाँ पर फास्टली ये जो है यहाँ पर काम करेंगे। तो ये प्रश्न पिछली जो एग्ज़ाम हुआ है उन एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न है, तो आप ज़रूर इन पर थोड़ा सा ध्यान रखें और ध्यान और सावधानीपूर्वक इन प्रश्नों को करें। जो प्रश्न आपको आ नहीं रहा है उन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किन स्थानों पर गाड़ी को पार्क करना नहीं होता है। पार्क करना नहीं होता मतलब कौन सी जगह पे गाड़ी को पार्क नहीं किया जा सकता। फुटपाथ पर, वनवे पर, दो तरफा सड़क पर, पार्किंग स्थान पर। तो यहाँ पर सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा कि भी गाड़ी को पार्क करना मना नहीं होता। ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है गाड़ी को पार्क करना मना होता है। ये होता अगर पार्क करना मना होता ऐसा लिखा होता तो कहाँ कहाँ पार्क करना मना होता है। फुटपाथ पर होता है, वनवे पर भी आप पार्क वैसे साइड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फुटपाथ इसका आंसर हो जाता, लेकिन ये है कि गाड़ी को पार्क करना मना नहीं होता है। कौन सी स्थान पर नहीं होता? तो आप यहाँ पर देखो, ये वनवे पर, नाम वनवे पर है मतलब कि सड़क के ऊपर, आप सड़क के ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर पार्किंग स्थान पर है वो पार्क करने की मनाही नहीं होती है, ठीक है। पहला प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न पे आओ, नेशनल परमिट जारी करने के मामले में एक वाहन के कितने पुराने होने तक उसको नेशनल परमिट जारी किया जा सकता है, मल्टी एक्सल वाहनों को छोड़कर। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो परमिट होता है नेशनल परमिट साथियों, यहाँ पर दो टाइप से होता है, एक 12 साल के लिए, एक 15 साल के लिए। ये 15 साल के लिए कौन सा है? मल्टी एक्सल जो वाहन होते हैं जिनमें आगे या पीछे टायर ज़्यादा होते हैं, वो भारी वाहनों के लिए यहाँ पर कौन सा होता है, यहाँ पे भारी वाहनों के लिए मल्टी एक्सल वाहन बोला जाता है और 15 साल के लिए नेशनल परमिट जारी किया जा सकता है। लेकिन सामान्य वाहनों के मामले में अगर आपका वाहन यहाँ पर 12 साल से पुराना हो गया है तो आपको नेशनल परमिट जारी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, ये तो नेशनल परमिट हो गया, इसके अलावा देखो परमिट जो होते हैं, एक आपका अस्थायी परमिट होता है, अस्थायी परमिट जो होता है यहाँ पर 1 से लेकर 4 माह तक दिया जाता है। एक आपका विशेष परमिट होता है, क्या होता है, विशेष, जिसे हम स्पेशल परमिट के नाम से जानते हैं। विशेष परमिट जो होता है वो 4 से लेकर 12 माह तक जारी होता है। एक स्टेट परमिट होता है, स्टेट परमिट तो ये 5 साल के लिए या कई बार 1 साल के लिए भी जारी किया जा सकता है। इसके लिए एक होता है AITP यानी कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, जो कि पूरे भारत में मान्य होता है। एक होता है नेशनल परमिट, जो कि आप सभी को पता है यहाँ पर 4 राज्यों में आपके मान्य होता है, 4 राज्य, ठीक है, ये ऑल इंडिया में होता है। अब एक आता है पर्यटक परमिट। अब पर्यटक परमिट में भी मैक्सी कैब गाड़ी है तो यहाँ पर ये परमिट है आपका 9 साल तक आपको दिया जा सकता है। अन्य वाहनों की बात करें तो यहाँ पर 8 साल तक के ही यहाँ पर आपको पर्यटक परमिट दिया जा सकता है। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ और अच्छी तरह से आप इस प्रश्न को समझ पा रहे होंगे। रात के समय जब सड़क के किनारे अपने वाहन को खड़ा किया जाता है तो क्या नहीं करना चाहिए, याद रखना थोड़ा सा इसको। तो यहाँ पर चाबी निकाल लेनी चाहिए, ठीक है, सड़क के नीचे वाहन को पार्क करना चाहिए, ठीक है, पार्किंग लाइट बंद कर देनी चाहिए, गलत हो जाएगा, भी इंजन बंद कर देना ये भी ठीक है। पार्किंग लाइट रात का बात होगी ना, रात के समय में तो आपको पार्किंग लाइट बंद नहीं करनी। 50 cc से अधिक के वाहनों के लाइसेंस आवेदन के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए, 50 cc से अधिक के वाहनों के लिए बात आई है। तो यहाँ पर 50 cc से कम की बात आती, 16 वर्ष है, 50 cc कम की बात आ जाती तो यहाँ पर 16 वर्ष हो जाता, अधिक की बात आई है तो यहाँ पर 18 वर्ष आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस सड़क पर पैदल चलने के लिए जगह नहीं है या फुटपाथ भी नहीं है तो सड़क के कहाँ चला जाता है,
हमेशा हम सड़क के लेफ्ट साइड में चलते हैं, कहाँ चलते हैं, लेफ्ट में। लेकिन अगर फुटपाथ नहीं है तो हम राइट साइड में चलेंगे, कहाँ चलेंगे, राइट साइड में चलेंगे। तो आप सभी इसका आंसर क्या दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर दो दाएं और, यानी कि राइट साइड में। प्रश्न संख्या छः, शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध होता है और ऐसा करते पाए जाने पर दंडनीय होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाना धारा 185 यहाँ पर हो जाता है, पहली बार में 10,000 का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है, 6 माह प्रतिबंध यहाँ पर, सॉरी 6 माह तक कैद भी होता है, और आपका DL भी जब्त किया जा सकता है या DL को सस्पेंड किया जा सकता है, सस्पेंड, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में जारी किए जाने वाले सड़क नियम अधिनियम नए संशोधन को किस प्रधान विभाग के नाम से गजट में प्रकाशित किया जाता है। आप सभी को पता होगा भारत का एक डिपार्टमेंट है मोर्त, MORTH मोर्त, जिसकी स्थापना सन 1942 में होती है, और 1942 में, और भारत में मोटर वाहन अधिनियम हो या नियम कायदे कानून अधिनियम बनाने हो तो ये सारे के सारे काम है ये मंत्रालय करता है। मंत्रालय का नाम है मोर्त, जिसको हम हिंदी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन में निम्न के पंजीकरण के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। किसके पंजीकरण के लिए आधार कार्ड को कंपलसरी कर दिया है, तो एक तो आपका DL होगा और एक आपकी RC होगी। इन दोनों के लिए यहाँ पर जो राजस्थान में या पूरे भारत में यहाँ पर जो है आपके आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, लाइसेंस के लिए, वाहन पंजीकरण के लिए, लाइसेंस रिन्यू के लिए, सभी के लिए। तो यहाँ पर आप लाइसेंस के लिए, लाइसेंस के लिए, वाहन के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपातकालीन वाहन जिनको सड़क पर देखने पर तुरंत जगह देनी चाहिए अनिवार्य, जगह देना अनिवार्य होता है, वो कौन से होते हैं। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर आग बुझाने वाली जो है फायर ब्रिगेड, मरीज को ले जाना एम्बुलेंस, पुलिस भी कई बार आपातकाल में काम करती है, तो यहाँ पर ये सभी आपातकालीन वाहन होते हैं, इन सभी को आपको रास्ता देना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 है। नेक व्यक्ति उस आदमी को कहा जाता है जो सहायता करता है किसकी, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की, बीमारी की, पीड़ित या अक्षम व्यक्ति की, सभी की। वो किसकी सहायता करता है, वो सड़क पर बात आ जाती है, सड़क पर सहायता करता है, यातायात से संबंधित स्थानों पर सहायता करता है, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप यहाँ पे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति, बीमार या पीड़ित या असक्षम या अक्षम व्यक्ति जो है, अक्षम, उन व्यक्तियों की आप सहायता करते हैं। तो यहाँ पर साथियों मैं बताना चाहूँगा ये एक नेक व्यक्ति का काम होता है, ठीक है। तो धारा 134A में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी वह दस्तावेज जिसके तहत किसी वाहन का परिवहन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, तो वो होता है एक ऐसा दस्तावेज जिसकी मदद से आप क्या है किसी वाहन का प्रयोग और ट्रांसपोर्टेशन में कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, परमिट होता है, ठीक है ना। एक स्पेशल परमिट होता है, एक आपके अस्थाई परमिट होता है, नेशनल परमिट होता है, और AITP ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट होता है, और स्टेज परमिट भी होता है। तो ये सारे परमिटों के आपके बारे में ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको बताया भी था। मोटर कार को निम्न में से किस वर्ग में रखा गया है। मोटर कार जो होती है छोटी है और यात्री है, और दो पहिया, तीन पहिया और जो चार पहिया प्राइवेट गाड़ियां होती है, इन सभी को, सॉरी चार पहिया नहीं होगी इसमें, है ना। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, दो पहिया, तीन पहिया और ट्रैक्टर जो है उसको L श्रेणी में रखा गया है। M श्रेणी में मोटर कार को रखा गया है, एम्बुलेंस भी इसी में आएगी। N में ट्रक आएंगे, क्या आएंगे, ट्रक आएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिना टिकट यात्रा करने पर पहले 200 रुपये जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन 2019 में संशोधन के पश्चात इसको बढ़ाकर कर दिया गया है। बिना टिकट यात्रा करते हैं तो यहाँ पर प्रति यात्री जो जुर्माना होता है उसकी राशि पूछी गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 200 रुपये होगा। 200 रुपये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये प्रश्न डिलीट होने योग्य है, यानी कि 2019 में संशोधन के पश्चात 200 रुपये प्रति यात्री ही जुर्माना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो मतलब कि सार्वजनिक या पब्लिक प्लेस में चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं और उसमें निर्धारित सीमा से अधिक लोड अगर आप यहाँ पर ढोते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना है प्रति यात्री 200 रुपये। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा वाहन का प्रयोग करता है जिसका बीमा समाप्त हो गया है तो इसे वाहन के लिए मोटर वाहन की धारा अनुसार कितने रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। धारा 196 जो है, आप सभी को पता होगा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 196 यहाँ पर किसका उल्लेख करती है, बीमा का उल्लेख करती है, और अगर बीमा नहीं है तो जुर्माने का प्रावधान करती है। जुर्माना जो कि 1,000 से 2,000, सॉरी ऐसा नहीं है भाई, धारा 196 में जो जुर्माना है वो पहली बार में 2,000 होता है, दूसरी बार में 4,000 का जुर्माना आपके ऊपर देय होता है, या
3 माह की कैद भी है अथवा दोनों की सजा आपको दी जा सकती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, 2000 रुपये व 3 माह का कारावास। अगला प्रश्न है, आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, आपके पीछे से कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी हॉर्न दे रही है, उस पर रेड लाइट भी सायरन के साथ दिख रहा है, तो आप उसे रास्ता नहीं देते हैं, तो आपके इस अपराध के लिए कौन सी धारा का उल्लंघन होता है? आप सभी को पता है एम्बुलेंस का मामला है, धारा 194E होता है। वो रास्ता नहीं देने पर अब देख लो 10,000 रुपये, 2,000 के नोट बंद हो चुके हैं, तो यहाँ पर 500 के 20 नोट आपसे जब्त कर लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आप किसी यात्रा पर जा रहे हो और आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, तो आप सड़क पर चलती गाड़ी में सबसे पहले क्या करेंगे? हॉर्न देंगे, जोर से ब्रेक लगा देंगे, स्टीयरिंग कसकर पकड़ लेंगे, वाहन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित रखते हुए हैजर्ड लाइट को ऑन कर देंगे और सुरक्षित है वो रोक लेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आप अपने वाहन को किसी पहाड़ी मार्ग पर ढलान के विपरीत मुंह करके खड़ा करना चाहते हैं, तो आपके वाहन का गियर खालिस्तान डालेंगे, कौन सा गियर डालेंगे? तो एक नंबर गियर डालो आप, गियर नंबर आपको एक है वो डालना है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, आपका वाहन 5 वर्ष पुराना हो गया है और आप इसका प्रयोग एक कंपनी में मोल ढोने में करते हैं, तो अगली बार जब इसका फिटनेस प्रमाण पत्र रिन्यू करवाना होगा तो वह कितनी अवधि के लिए मान्य होगा? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, 2 वर्ष इसका जवाब सही हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर कॉमर्शियल जो व्हीकल होते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल का 8 वर्षों तक यहाँ पर 2+2+2+2 इस शेड्यूल से आपका मतलब कि फिटनेस जारी किया जाता है आपकी गाड़ी का, लेकिन इससे पहले अगर आप करवाते हैं तो मतलब बीच में आप ज़्यादा एडवांस नहीं करवा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो फिटनेस प्रमाण पत्र होता है उसको शुरू में 2-2 साल के लिए, 8 वर्ष बाद 1-1 साल के लिए होता है, ठीक है। तो ये था फिटनेस प्रमाण पत्र वाहन का। यही फिटनेस प्रमाण पत्र अगर प्राइवेट व्हीकल की बात करता हूँ तो यहाँ पर 15 साल के लिए दिया जाता है। कितनी साल के लिए? 15 साल के लिए। प्रश्न 19 है, नीचे दी गई युक्तियों में से कौन सी युक्ति का प्रयोग डीजल इंजन में सर्दियों के मौसम में किया जाता है? आप सभी को पता होगा कि हीटर स्प्रिंग जो होती है, हीटर स्प्रिंग या हीटर प्लग जिसे कहते हैं, उसका प्रयोग सर्दियों के मौसम में करते हैं। मोटर कार के लिए लाइसेंस हेतु आवेदक की कम से कम उम्र होनी चाहिए। मोटर कार आ गया है और उम्र पूछ ली है तो 18 वर्ष इसकी जवाब हो जाएगा। मोटर कार शब्द आते ही यहाँ पर आपको 18 साल पे टिक करना है। 50 cc से कम का बिना गियर की बात आए तो यहाँ पर आपको 16 पे करना है, वरना नहीं करना है। इसके अलावा इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा बात बताना चाहूँगा, हीटर स्प्रिंग का प्रयोग हमने कहा कि हम सर्दियों के मौसम में करते हैं, कब करते हैं? सर्दियों के मौसम में। लेकिन यहाँ पर बात बताना चाहूँगा, सर्दियों के मौसम में जब इंजन ठंडा हो जाता है तो सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और आपको पता है डीजल इंजन जो होता है वो कंप्रेशन के सिद्धांत पर काम करता है, तो उचित कंप्रेशन नहीं बन पाता है, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर कंप्रेशन को बढ़ाने के लिए तापमान बढ़ाना पड़ेगा और ताप को बढ़ाने के लिए हीटर प्लग लगाना पड़ेगा, और इसी हीटर प्लग को हीटर स्प्रिंग के नाम से यहाँ पर जाना गया है। वाहन में रेडिएटर प्राय तांबा और पीतल के मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, किसके? रेडिएटर तांबा और पीतल के मिश्र धातु के। ये आसानी से पानी को ठंडा कर देते हैं और पानी को जमने से रोकते हैं, ये इंजन को बिना कूलेंट ठंडा कर देते हैं, ये जंगरोधी होते हैं उपक्ष भी। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा, वाहन में रेडिएटर प्राय तांबा और पीतल के मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, है ना? तो अब ये जमने से रोकता है, ठंडा कर देता है। ये देखो जमने से ये थोड़ी रोकता है, जमने से तो एंटीफ्रीज रोकता है, है ना? तो ये जंग रोधी होते हैं, है ना? ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 22 हमारे सामने है, मोटर वाहन अधिनियम के संबंध में गलत कथन बताना है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 को 1 जुलाई 1989 को लागू किया गया। MVA 1988 में अब तक 5 बार संशोधन किया जा चुका है। MVA 1988 में अंतिम संशोधन 1 सितंबर 2019 से लागू हुआ। उपरोक्त सभी सही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, सभी कथन क्या है यहाँ पे सही है। HSRP पंजीकरण प्लेट के संबंध में सही कथन है नहीं है, सही कथन नहीं है वो बताना है। प्लेट आयरन की बनी होगी, यहाँ पर आप सभी को पता है प्लेट आयरन की नहीं एल्यूमिनियम की बनती है। प्लेट पर अशोक चक्र का होलोग्राम लगा होगा। ये प्लेट स्थाई रिबर से लगाई जाएगी जिससे इसे खोला नहीं जा सकता। इसका पूरा नाम अति सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट होता है, यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। तो यहाँ पर डी सही है और इसके अलावा सी सही है, बी भी सही है, ए गलत हो जाएगा। प्लेट आयरन की नहीं एल्यूमिनियम की यहाँ पे बनती है।
पर्सन संख्या 24 है। किसी चौराहे पर लगी एम्बर ट्रैफिक लाइट के जलने का मतलब क्या होता है? एम्बर ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है ये बताना है। तो एम्बर को हम येलो लाइट के नाम से भी जानते हैं, पहली बात तो ये। और येलो लाइट जो होती है इसका मतलब क्या होता है? रुको या चौराया खाली करो, दो ऑप्शन में से एक होता है। तो डी इसका जवाब है, वो सही हो जाएगा। पर्सन संख्या यहाँ पर 25 है। गोल्डन आवर या स्वर्णिम घंटा के बारे में सही कथन नहीं है, तो सही कथन नहीं है बताना है। ये समय किसी घटना के तुरंत पहले और बाद का एक घंटे का समय होता है। इस एक घंटे पहले या बाद का, पहले का नहीं होता, अभी बाद का ही होता है, इसको काट दो, तुरंत बाद का काट दो, ठीक है। तो इस एक घंटे में पीड़ित की सहायता करने वाला व्यक्ति एक अच्छा सामरी कहलाता है, यानी कि गुड सिमरटन कहलाता है, इस टाइम में जो व्यक्ति काम करता है, ठीक है। गोल्डन ओवर का वर्णन धारा 2:12a में किया गया है, ठीक है। गोल्डन ओवर केवल पुलिस प्रशासन के लोगों के लिए होता है जिसमें वे सड़क दुर्घटना की जांच करते हैं, ये गलत है भाई, ये केवल पुलिस वालों के लिए नहीं है, बाहर वालों के लिए भी होता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 26 है, यातायात के वे संकेत जो सड़क के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और हमें सावधान करने में सहयोग करते हैं, चिन्ह को कहा जाता है? यातायात के वे संकेत जो सड़क के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और हमें सावधान करने में और सहयोग करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? यहाँ पे चेतावनी संकेत, जो हमें सूचना या स्थिति के बारे में बताते हैं कि भी रोड है वो किस कंडीशन में आपकी, या जो आपकी मतलब कि यहाँ पर जो मतलब आगे इस पहाड़ी इलाका आने वाला है या पथरीला आने वाला है, बजरी है, फिसलने वाली सड़क है, चढ़ाई है, ढलान है, इन चीज़ों के बारे में चेतावनी संकेत है, यहाँ हमें जानकारी देते हैं। निम्न में से निजी वाहन वह दस्तावेज जिसकी अवधि 15 वर्ष नहीं होती है, निजी वाहन का वह दस्तावेज जिसकी 15 वर्ष की अवधि नहीं होती है। वाहन का बीमा बिल्कुल 15 वर्ष के लिए होता है, फिटनेस का भी होता है, टैक्स का भी होता है, पंजीकरण प्रमाण पत्र का, या इनमें से देखो, बीमा का नहीं होता, फिटनेस का होता है, टैक्स का होता है, पंजीकरण प्रमाण पत्र का होता है, तो ए का नहीं होता भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो भाई दोबारा से देख लेते हैं एक बार। निम्न में से निजी वाहन वह दस्तावेज, निजी वाहन का वह दस्तावेज जिसकी अवधि 15 वर्ष नहीं होती, तो इसमें बीमा की अवधि जो है ना 15 वर्ष नहीं होती, बाकी इन तीनों की जो चीज़ें जो टैक्स है, फिटनेस है, आरसी है, इनकी 15 वर्ष होती है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डीजल और पेट्रोल इंजन में तुलनात्मक रूप से डीजल इंजन की विशेषता नहीं है, डीजल इंजन की विशेषता नहीं है, ये इंजन कम प्रदूषण करते हैं, ये इंजन कम प्रदूषण करते हैं, ये अधिक शोर करते हैं, ये भारी लोड खींचने में सक्षम होते हैं, ये इंजन सर्दी के मौसम में आसानी से स्टार्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं तो जो डीजल इंजन होते हैं ना, पेट्रोल की तुलना में मुश्किल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये जो है ना कम प्रदूषण करते हैं, कम का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, मतलब कि ये अधिक ही करते हैं, कम नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर प्रदूषण करते ही हैं, कम का कोई यहाँ पे तुक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन संख्या 29 है, वाहन की बैटरी के संबंध में सही कथन नहीं है, बैटरी के संबंध में ये वाहन का स्टोरेज सिस्टम होता है जो सभी वाहनों में डायनमो से चार्ज होता है, लेकिन पुराने जमाने में अल्टरनेटर का प्रयोग होता था। अब ये देखो ये उल्टा खेल हो गया ना, ये मतलब कि पुराने जमाने में अल्टरनेटर नहीं, पुराने में जमाने में तो डायनमो होता था, आजकल क्या होता है, अल्टरनेटर होता है। हल्के वाहनों में 12 वोल्ट की बैटरी होती है, ठीक है, बैटरी में लिक्विड के रूप में डिस्टिल्ड वाटर भरा जाता है, ये भी ठीक है, बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर के नाम इस यंत्र से देखी जाती है। उस साथियों में बता दूं अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ है जिसमें इसका नाम एरोमीटर भी रखा गया, अभी एरोमीटर याद रखना, ऐसे प्रश्न छप जाते हैं भाई, है ना, हाइड्रोमीटर को एरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहां पर यह चीज भी आपको याद रखनी है, वाहन इसका हो गया चौथा, ठीक है। प्रश्न संख्या 30, वाहन में गतिपालक पहिए फ्लाईव्हील का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? आपकी जो इंजन शाफ्ट होती है, इंजन शाफ्ट होती है ना, इसका ये फ्रंट एंड है और ये फ्रंट एंड है और ये आपका रिवर्स या रियर एंड है, पीछे वाला, पीछे वाले पर यहाँ पर फ्लाईव्हील लगा होता है, फ्लाईव्हील के साथ में यहाँ पर सेल्फ स्टार्टर मोटर लगी होती है, ठीक है, सेल्फ मोटर लगी होती है। तो ये तो होता है पिनियन गियर, ये होता है फ्लाईव्हील का रिंग गियर, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लाईव्हील इंजन शाफ्ट के पीछे वाले भाग पर लगता है और इसका काम हम यहाँ पर गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए भी काम में लेते हैं। तो पिछले पहियों के पास, आगे के पहिए में, प्रोपेलर शाफ्ट पर, इंजन शाफ्ट पर, तो ये इंजन शाफ्ट पर, इंजन शाफ्ट के रियर एंड पर, रियर भाग पर लगी रहती है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक 2 सिलेंडर इंजन में पहला स्ट्रोक सक्शन और दूसरा स्ट्रोक संपीड़न होता है, तो इस इंजन में
इंजन के एक साइकिल चक्कर पूरा करने के लिए कितने स्ट्रोक पूरे करने पड़ेंगे, ये पूछा है। यहाँ पर साथियों आपको दो सिलेंडर, यहाँ पर बात आई है दो सिलेंडर की, मतलब कि इंजन दो सिलेंडर है कि दो स्ट्रोक है, दो सिलेंडर इंजन है मतलब सिलेंडर दो है, तो एक हर सिलेंडर जो होगा उसमें यहाँ पर हर एक्टिविटी को करना पड़ेगा। इसमें पहला आपने कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा और चौथा भी करना पड़ेगा, मतलब कि चार स्ट्रोक इंजन यहाँ पे होता है। यहाँ पर बात अगर टू दो स्ट्रोक की आती ना तो कहानी कुछ अलग है, कहानी में ट्विस्ट आ सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्ट्रोक नहीं दो सिलेंडर है। प्रश्न 32 है, इंजन के काला धुआं देने का मुख्य कारण नहीं होता है, नहीं है, इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिल पा रही है, कंप्रेशन सही नहीं बन रहा है, एयर फिल्टर गंदा हो गया है, तेल का स्तर सही है। अगर तेल का स्तर सही होगा तो काला धुआं क्यों देगा भाई, है ना, ये काला धुआं देने का यहाँ पर जो कारण है वो नहीं है, मतलब कि काला धुआं देने का कारण पूछा है तो उपरोक्त तीनों कारण है लेकिन डी है वो कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, टायर के संबंध में सही कथन नहीं है, टायर के संबंध में, टायर का रोड के साथ पर्याप्त घर्षण होना चाहिए, ठीक है, जिस टायर का सड़क के साथ उचित घर्षण होगा वह टायर अच्छी श्रेणी का माना जाता है, ये भी ठीक है, टायर में कुशन का कार्य थ्रेड करती है, यहाँ पर कुशन का कार्य थ्रेड नहीं जो सेक्शन हाइट है वो करती है, तो ये गलत हो जाएगा भी। टायर के घिसने का पता थ्रेड के ऊंचाई देखकर लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी भी सही है और सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आपके पास एक कार है जिसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं मैच हो रहा है, कार में सामने दो फॉग लाइट और दो हेडलाइट लगी है, ठीक है, कार में पीछे लगा सफ़ेद लैंप का कार्य रिवर्स गियर का जो संकेत है वो करता है, टेल लाइट वाहन के आगे के कॉर्नर पर लगी रहती है, वाहन में एग्जॉस्ट पाइप दाएं साइड में लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो टेल लाइट होती है आगे के कॉर्नर पर नहीं पीछे के कॉर्नर पर रहती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, उत्सर्जन मापदंडों के संदर्भ में BS यानी कि भारत स्टेज के संबंध में गलत कथन आपको बताना है, गलत कौन सा है, यह एक प्रदूषण का मानक होता है, भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत भारत स्टेज फर्स्ट के साथ 2000 में की गई थी, भारत स्टेज 3 को 2005 में लागू किया गया, कोई भी कथन गलत नहीं है, तो यहाँ पर साथियों मैं बताऊँ आपको ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत स्टेज जो 3 है इसकी शुरुआत 2005 में हुई लेकिन भारत स्टेज 3 को पूरे भारत में, संपूर्ण भारत की बात करता हूँ तो संपूर्ण भारत में यहाँ पर 2010 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो बात हालांकि अब देखो इसकी शुरुआत 2005 में हो चुकी थी, इसीलिए इस प्रश्न का जवाब हमें यहां पर क्या मानना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी मानना पड़ेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आप सभी को पता होगा, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जो भारत स्टेज है ना ये यूरो की तर्ज पर लाया गया था, जैसे यूरो होगा वैसे ही भारत स्टेज होगा, ठीक है, जिसे BS के नाम से हम जानेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मोटर वाहन अधिनियम की नीचे दी गई धाराओं के संबंध में मेल सही नहीं है, सही नहीं है, धारा 180 अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा बिना लाइसेंस के वाहन चलाना मालिक की जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल ठीक है, 181 अयोग्य होने के बाद वाहन चलाना स्वयं की जिम्मेदारी है, बिल्कुल ठीक है, अगर आपके पास में लाइसेंस है आप योग्य ही नहीं है फिर भी गाड़ी चलाते हैं, 182 लाइसेंस के संबंध में अपराध करना मिथ्या या गलत उपयोग करना, तो ऑप्शन नंबर 182 यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, धारा 183 खतरनाक तरीके से वाहन चलाना ये गलत हो जाएगा भी, ये धारा 184 में है और धारा 183 है वो स्पीड से संबंधित है, स्पीड, ठीक है, और स्पीड में गाड़ी चलाना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी गलत हो जाएगा भी। प्रश्न संख्या 37 है, कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, फ्लैशिंग लाल बत्ती, स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले रुकें तभी आगे बढ़ें जब सुरक्षित हो, सुरक्षित आ गया ना, बिल्कुल ठीक है, फ्लैशिंग पीली बत्ती धीमे व सावधानीपूर्वक चलते रहें, ये भी ठीक है, हरी बत्ती अपनी उचित लेन में रहते हुए तीर की दिशा में आगे बढ़ते रहें, लाल बत्ती चलते रहिए, ये गलत हो जाएगा भी, गलत ही पूछा है, रेड बत्ती का मतलब चलते रहिएगा नहीं होता है। प्रश्न संख्या 38 है, यहाँ पर एक चौकोर आकृति में संकेत दिया गया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और इस संकेत में बस बनाई गई है, तो इसका मतलब क्या होगा, बस स्टैंड हो जाएगा, ऑप्शन बी, यह संकेत क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो एक जो ड्राइवर है यहाँ पे अपने हाथ को यहाँ समकोण पर बाहर निकाल रहा है ऐसे करके, हथेली आगे है, तो इसका मतलब क्या है, वाहन को रोकने का इरादा है, वाहन को रोकने का इरादा है, स्लो करने का जो होता है ना वो यहाँ पर सीधा हाथ राइट हैंड बाहर निकालता है और यहाँ पर हथेली नीचे की ओर करके ऊपर नीचे करता है। प्रश्न संख्या 40, यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला है जो क्या संकेत कर रहा है आपको बताना, चित्र को आप ध्यान से देखें, पीछे से आ रहे
वाहन को रोकना, हथेली क्योंकि आगे की ओर है, लेफ्ट हैंड को बाहर निकाला है तो लेफ्ट हैंड हथेली आगे की ओर, और लेफ्ट हैंड को बाहर निकालना मतलब कि पीछे से जो वाहन आ रहे हैं उनको रोकने का इशारा यहाँ पर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है, इंजन के भागों के संबंध में गलत कथन बताना है। गलत बताना है भाई, पिस्टन कनेक्टिंग रोड से पिस्टन रिंग के माध्यम से जुड़ा रहता है। पिस्टन जो पिस्टन होता है वो किससे जुड़ा रहता है, ये प्रश्न है। तो कनेक्टिंग रोड से पिस्टन रिंग के माध्यम से, पिस्टन रिंग के माध्यम से जुड़ा रहता है, गलत हो जाएगा भाई पहला ही कथन। ठीक है, गलत ही पूछा। कनेक्टिंग रोड को पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी होती है, कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट से टाइमिंग चेन से जुड़ी रहती है, क्रैंकशाफ्ट के पिछली सिरे पर फ्लाई व्हील लगा होता है। तो ये तीनों कथन सही है, लेकिन ए है वो गलत हो जाएगा। वह संकेत जो किसी कार्य के बारे में यह करो यह नहीं करो का संकेत देते हैं, यानी या तो यह संकेत करता है कि आपको यह काम करना है होगा, या फिर यह संकेत देगा कि आपको दिया गया काम नहीं करना है। तो आदेशात्मक जो संकेत होते हैं इनका पालन करना जरूरी होता है, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके जो आज्ञा देते हैं, एक जो मना करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये आदेशात्मक संकेत इसका जवाब सही हो जाएगा। प्रश्न सिंह के 42 से आपके सामने, 43 से सॉरी, GVWR क्या होता है? तो GVWR का फुल फॉर्म है ग्रोस व्हीकल वेट रेटिंग, ग्रोस व्हीकल वेट रेटिंग। अगला प्रश्न है, हेडलाइट में कौन सा दर्पण काम में आता है? तो यहां पर देखो, जो हेडलाइट है इसमें दर्पण नहीं, पहली बात तो हेडलाइट में लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और साइड मिरर होते हैं उसमें दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हेडलाइट में कौन सा दर्पण या लेंस काम में लेते हैं? तो यहां पर अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पे अंतर्गोल, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। प्रश्न सिंह के यहाँ पे 45 है, LMB लाइसेंस हेतु शैक्षिक योग्यता होती है। LMB जो लाइसेंस है इसके लिए शैक्षिक योग्यता को यहाँ पे हटा दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 9 हो जाएगा, बी हो जाएगा। और धारा 9 में इसका उल्लेख किया गया, कौन सी में? धारा 9 में इसका उल्लेख किया गया, मोटर वाहन अधिनियम की, MVA। ठीक है ना, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? तो यहाँ आप सभी को होगा पता होगा, प्रश्न सिंह 46 कहाँ गया, ये है कि जो फॉर्म संख्या यहाँ पे होता है, क्या करना है फॉर्म में, आज पंजीकरण करवाने के लिए कौन सा फॉर्म, पंजीकरण करवाने के लिए, तो यहाँ पर फॉर्म संख्या सी हो जाएगा, यानी कि फॉर्म संख्या जो 20 है इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, नए पंजीकरण के लिए, वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए फॉर्म संख्या 20 का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र के बारे में सही कथन कौन सा है? प्रदूषण प्रमाण पत्र 2017 के बाद नए वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2017 के बाद में आपको यहाँ पर बताना सही कौन सा है, सही कौन सा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 2017 के बाद नए खरीदे गए वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र 12 माह के लिए जारी किया जाता है, बिल्कुल 12 माह के लिए जारी होता है। BS6 वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, ये गलत है। BS6 वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र 6 माह के लिए जारी किया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि BS6 की जो गाड़ियाँ हैं इनमें 12 माह के लिए यहाँ पे जो है वो जारी किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एग्जॉस्ट गैसें मफलर में से निकलती है जिस कारण, एग्जॉस्ट गैसें आवाज़ बढ़ जाती है, आवाज़ समाप्त हो जाती है, आवाज़ कम हो जाती है, इनमें से कोई नहीं समाप्त तो होती नहीं है, लेकिन एग्जॉस्ट गैस में मफलर के कारण क्या होता है, आवाज़ कम हो जाती है या शांत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है, विभेदक का प्रयोग होता है, विभेदक यानी कि डिफरेंशियल का जो प्रयोग है यहाँ पर होता है, गाड़ी को उल्टा चलाते समय, गाड़ी को खड़ा करते समय, गाड़ी को मोड़ते समय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा, गाड़ी को मोड़ते समय डिफरेंशियल का प्रयोग आता है, और ये दोनों पहियों में चाल में अंतर करने में यहाँ पर माहिर होता है, 90 डिग्री पर एनर्जी को भी मोड़ता है। गाड़ी को स्टार्ट करते समय मिलते हैं, क्या मिलते हैं, आप सभी को पता होगा सेल्फ स्टार्टर मोटर होती है, इसके साथ में पिनियन गियर होता है। ठीक है, फ्लाईव्हील जो होता है, फ्लाईव्हील के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, रिंग गियर होता है। तो यहाँ पर FRSP या SPFR जो भी आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लाईव्हील का सन गियर गलत हो जाएगा, सन गियर नहीं होगा, रिंग गियर भी यहाँ पर हो जाएगा, रिंग गियर हो सकता है, रिंग गियर और रिंग गियर ये भी गलत हो गया। पिनियन की फ्लाईव्हील का पिनियन गियर ये भी गलत हो गया, फ्लाईव्हील का रिंग गियर और स्टार्टर का पिनियन गियर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज का जो हमारा सेशन रहा है
इस सेशन में हमने 50% करने का प्रयास किया और कम समय में अधिक जानकारी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 29 मिनट का वीडियो है, लगभग हर एक मिनट में हमने 2% यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो जो भी साथी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस जो है इस पेपर को या इस मॉडल पेपर को या इस सेशन को आज आप अपने दोस्तों के पास में जरूर भेजेंगे। उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जो हमारी स्पीड है, फटाफट तो सेशन हो रहे हैं, इस स्पीड के बारे में भी आप अपना जो कमेंट है, अपनी जो राय है वो हमें दें कि भी आपको फास्ट सुनना पसंद है या स्लो मोशन में ही चलने दें, ठीक है। तो आज की क्लास के बारे में फीडबैक आपको देना है, अच्छी है तो अच्छी बताओ, बुरी है तो बुरी बताओ, अच्छी लगे तो लाइक भी करनी है, शेयर भी करनी है। तो साथियों धन्यवाद। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारा जो ऑनलाइन बेस ज्वाइन नहीं किया है, या आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशल नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऐप के ऊपर स्पेशल नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं और कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।